After the burial of Lord Shri Jesus, it was the third day. प्रभु श्री यीशु जी के अंतिम संस्कार के बाद यह तीसरा दिन था. Two among the disciples were traveling to a village called Emmaus. और दो जो शिष्य थे प्रभु श्री यीशु जी के वो यरूशलेम से इमेस गांव तक जा रहे थे. Emmaus was 7 miles away from Jerusalem. और इमेस जो ग्राम था वो यरूशलेम धर्म नगरी से करीब 7 मील की दूरी पर था. As they were walking and talking, Lord Shri Jesus also joined in their conversation. और जब ये दो शिष्य बातें करते करते जा रहे थे प्रभु श्री यीशु जी भी उनके साथ हो लिए. Lord Shri Jesus asked them, what you are talking about? प्रभु श्री यीशु जी ने उनसे पूछा आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं. They stood still in amazement. वे बड़े आश्चर्य में पड़ के वो वहाँ रुक गए रास्ते में. And they asked, one of them was Cleopas, who asked. और एक जो शिष्य था उनका नाम क्लियोपास था उन्होंने यह प्रश्न पूछा. Are you the only stranger in Jerusalem? क्या आप पूरे धर्म नगरी यरूशलेम में अकेले अजनबी हो? Who do not know what happened in the past days? और पिछले कुछ दिनों में जो जो बातें हुई है उसका आपको कोई ज्ञात नहीं हो? Lord Shri Jesus asked what things. प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि कौन सी बातें? Then they started to explain to him. और उन्होंने प्रभु श्री यीशु जी को बताना शुरू किया. We were talking about Jesus of Nazareth. उन्होंने बताया कि हम जो हैं यीशु नासरी के बारे में चर्चा कर रहे थे. Who was a prophet? और वे जो हैं बड़े ईश प्रवक्ता थे. He was mighty in words and deeds. और उनके जो कार्य थे और उनके जो शब्द थे बड़े शक्तिशाली थे. But our high priest and our leaders delivered him to be condemned to death. लेकिन हमारे जो महायाजक और धर्म गुरुओं ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया. And crucified him. और उन्हें वधस्तंभ पर मार डाला गया. We really hope that he would deliver Israel. और हमें बड़ी आशा थी कि वे जो हैं हमें स्वतंत्रता हमारे देश को प्रदान करेंगे. But now it is third day. और अब तो यह सब कुछ हुए तीसरा दिन हो चुका है. And the women who went to the tomb, they also amazed us. उन्होंने बताया कि हमारे जो शिष्यों में महिलाएं भी थे वे जो हैं वे उस अंतिम संस्कार के स्थल पर गए और वहाँ पर जो उन्होंने बातें देखी उन्होंने बातें बताई और हमें बड़े आश्चर्य में डाल दिया. They told us that the tomb was empty. Lord Shri Jesus was not there. उन्होंने बताया कि जहाँ पर प्रभु श्री यीशु जी के मृतक शरीर को रखा गया था वो जो गुफा है वह तो खाली है वहाँ कुछ भी नहीं है. But they saw some visions of angels. लेकिन उन्होंने स्वर्ग दूतों का वहाँ पर दर्शन को देखा. And they told them that he was alive. और उन स्वर्ग दूतों ने उन्हें बताया शिष्य महिलाओं को बताया कि प्रभु श्री यीशु जी तो जीवित हो गए हैं. And some of the disciples went to check with that. और कुछ जो शिष्यगण हैं वो गुफा को देखने के लिए गए. And they found it true. और उन्होंने देखा कि वैसा ही पाया वहाँ पर कुछ भी नहीं था. But they did not see Lord Shri Jesus. और उन्होंने प्रभु श्री यीशु जी को तो नहीं देखा. And when they were speaking like that, और जब ये यह सब बातें कर रहे थे, Lord Shri Jesus told them, प्रभु श्री यीशु जी ने उन्हें बताया कि why you are so slow in believing the prophet? कि धर्मशास्त्र में ईश प्रवक्ताओं ने जो जो बातें बताई है उस वचन को समझने के लिए आपको इतना कठिनाई क्यों हो रही है? Was it was not necessary that Christ should suffer all these things? क्या यह अवश्य नहीं था कि जो अभिषिक्त हैं वे इस सब यह सब दुख भोग उठाएं? And enter into His glory. और महिमा में प्रवेश करें. And by this time they reached to the Emmaus. और इस समय वे बातें करते करते इमेस ग्राम तक पहुंच गए. And Lord Shri Jesus wanted to go ahead. और प्रभु श्री यीशु जी ने ऐसा
बताया कि वे अभी आगे और जाना चाहते हैं But they asked him to stay with them. लेकिन ये दो शिष्यों ने उनसे कहा कि नहीं आप हमारे साथ आज रहिए Because it is late evening. क्योंकि अभी शाम बहुत हो चुकी है So Lord Shri Jesus went with them. प्रभु श्री यीशु जी दो शिष्यों के साथ वहाँ पर घर पर गए And when they sat on table for dinner. और जब वे भोजन के लिए उनके घर पर बैठे थे So, Lord Shri Jesus took the bread. प्रभु श्री यीशु जी ने रोटी ली. And if it was his custom. और जिस प्रकार प्रभु श्री यीशु जी हमेशा करते आए थे. He took the bread and blessed it. और उन्होंने रोटी को ली और उसे आशीषित किया. And broke it and gave it to them. और उसे तोड़ा और उनके शिष्यों को दिया. When it happened, their eyes were opened. और जब प्रभु श्री यीशु जी ने इस प्रकार किया तो ये दो शिष्यों की आंखें खुल गई And they realized that he was none other than but Lord Shri Jesus. और उन्हें समझ में आया कि यह और कोई नहीं स्वयं साक्षात प्रभु श्री यीशु जी है And he was vanished from their sight. उसी समय प्रभु श्री यीशु जी उनकी आंखों से वहाँ से ओझल हो गए But they were so excited that they returned to Jerusalem. और वे यह सब देखकर इतने उत्सुक थे कि वे वापस यरूशलेम नगरी को लौट गए. It was 7 miles journey and it might have took them 3 hours. 7 मील का रास्ता तय करने में शायद उनको 3 घंटे लग गए होंगे. But they were so excited and they could not keep the message of hope. और वे इतने उत्सुक थे और यह जो आशा का जो वचन था वे अपने पास में वे छुपा के नहीं रख सकते थे. By themselves. अपने आप में नहीं रख सकते थे. So they returned to the Jerusalem. तो वे यरूशलेम धर्म नगरी को लौटे. And they told the disciples that they also saw Lord Shri Jesus. और वहाँ पर उन्होंने शिष्यगण को बताया कि उन्होंने प्रभु श्री यीशु जी का दर्शन पाया है Today also Lord Shri Jesus is alive. आज भी प्रभु श्री यीशु जी जीवित हैं। The same Jesus who changed their sorrows into joy. वही प्रभु श्री यीशु जी जिन्होंने उनके दुख को सुख में आनंद में बदल दिया He can do the same for us. प्रभु श्री यीशु जी हमारे लिए भी वैसा ही कर सकते हैं He can wipe away our tears. प्रभु श्री यीशु जी हमारे सारे आंसुओं को पोंछ सकते हैं More than that, he can forgive our sins. और प्रभु श्री यीशु जी हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध कर सकते हैं And he can give us eternal life. प्रभु श्री यीशु जी हमें अनंत जीवन दे सकते हैं